हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग टॉरस के लिए ले रही हूँ। और सबको पहली बात तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ एज पर सब्जेक्ट। थैंक यू यूनिवर्स टॉरस के लिए। Three of Swords for health, the Emperor for government job, Eight of Coins for private job, Page of Swords for business, the Star for share market, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ इन कार्ड्स को टॉरस पीपल। थैंक यू यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स, Nine of Wands, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, Bottom of the deck, Knight of Wands, guys, Taurus people. यहाँ पर शायद आपके हेल्थ में थोड़ा इशू लग रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा डिप्रेशन में नज़र आ रहे हो, जैसे कि आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक है। बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीपली, जैसे आप हर्ट हो चुके हो, किसी ने आपको चीट किया है या किसी ने आपका दिल दुखाया है। किस चीज़ के लिए आप कुछ करना चाहते हो बट आप वो कर नहीं पा रहे हो, ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है और जिसके वजह से आपका यहाँ पर हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, आप कोई अच्छी चीज़ आपको आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर रिसीव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स के तरफ से यही गाइडलाइन आई है कि आपको दुनिया की जो भी आप जिस सराउंड में रहते हो आपको बाहर निकलना है और आपको देखना है। आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चांसेस है, आपके हेल्थ यहाँ पर रिकवर हो सकती है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी कैच करनी है, आप नेचर में जा सकते हो, थोड़ा सा घूम सकते हो और आप बहुत ही अच्छा आप यहाँ पर आपके हेल्थ रिकवर कर सकते हो। आपको नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है, शायद थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए, ट्रैकिंग कर सकते हो या जैसे रिवर है या ये समुद्र है, इस जगह पर आप जाकर, जैसे बीचेस है या ऐसी जगह जाकर आप थोड़ा सा घूम के आते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेश लगेगा, आपकी हेल्थ में एक रिकवर आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर हेल्थ आपकी इसके वजह से ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो कि आपका बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है आप लोग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके वजह से आपके हेल्थ पर यहाँ पर इफ़ेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही गाइडलाइन आई है कि आप थोड़ा सा घूमने जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फ्रेंड सर्कल के साथ में बाहर जाओ तो अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए आया है द एम्परर का कार्ड आया है। द एम्परर का कार्ड यही बताता है कि आपको आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है, आपके पास में गैदर है, एक्सपीरियंस है आपको ऑलरेडी और आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो। बट यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना रास्ता ही परफेक्ट, जो जहाँ पर आपको जाना है, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है या जिस वे से, जिस सिटी में या कहीं पर आपको जहाँ पर जाना है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना है,
वहाँ पर आप फोकस लगाकर हो, पर अभी वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपकी स्टक की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आप जैसे रुके हुए से यहाँ पर नजर आ रहे हो, तो यहाँ पर एक गाइडलाइन ये भी आ रही है कि आपके होप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको और थोड़ा सा यहाँ पर आपके होप्स जितने ज़्यादा हैं, आपको जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए आप और उतना आप उतना गैदर कीजिए, ठीक है। अपना फोकस लगाकर और ज़्यादा स्टडी कीजिए और ज़्यादा खुद को डेवलप कीजिए। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है और आपको गाइडलाइन ये आ रही है कि अभी तो पेशेंस रखना है आपको, शायद आपको जो चाहिए वो 9th मंथ के पास, आपको जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे वो जो भी आएंगे उसमें आप क्रैक कर सकते हो। आपको 9th मंथ यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है। ओके, जिनसे भी रेजोनेट होती है उन्होंने रखना है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट जॉब के लिए आपको ऑलरेडी आपके जहाँ पर आप जॉब करते थे वहाँ पर ऑलरेडी आपको थोड़ा मैनिपुलेट किया है, आपको थोड़ा धोखाधड़ी हुई है, आपको थोड़ा सा फंसाया गया है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपका जॉब सेफ करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टीज आपको मिल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पीपल है जो सीनियर्स पीपल होंगे या कुछ भी, यहाँ पर आपको आपको रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप जो भी करते हो वो लोग खुश नहीं होते हैं, यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पर गाइडेंस स्टिल यही आ रहा है कि आप आपके काम के ऊपर फोकस करो, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, कोई पर्सन आके आपको गाइडलाइन देता है तो उनसे गाइडलाइन लीजिए। और यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि आप उसमें से ज़रूर बाहर निकलोगे, क्योंकि आपके लिए डोर ओपन है, आपका ध्यान नहीं है, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सतर्क रहिए और थोड़ा देखिए कि कहाँ पर आपको चांस मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, न्यू चांस कहाँ पर मिलता है वो आपको देखना है, ना कि आपको जो लोगों ने आपको हर्ट किया है उनके तरफ आपको देखना है, ठीक है। उनके तरफ नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये सक्सेस का कार्ड है। जो भी आप आगे अभी करोगे फोकस देके करोगे, मैंने कहा यहाँ पर आपके हेल्थ जो है वो हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आप लोगों को हार्ट चक्रा की हीलिंग ज़रूर लेना है टॉरस पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आप न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आगे आपको चांस बहुत अच्छा है, आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस हो रहोगे, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस के लिए आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप पीपल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप ना बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हुए नज़र आ रहे हो, होप्स करते हुए नज़र आ रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आप पूरी तरह सक्सेस हो चुके हो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है और आप ना किसी की बात सुनने के लिए बिजनेस में यहाँ पर रेडी नहीं हो, ठीक है। पर इसके वजह से क्या हो रहा है, आपको किसी चीज़ की हेल्प यहाँ पर मिलते हुए नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आपके ही दुनिया में जैसे यहाँ पर खोए हुए नज़र आ रहे हो और बिजनेस के जो जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर आप फोकस नहीं लगा रहे हो, ठीक है। आपको फोकस लग यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है, गाइडलाइन यही आ रही है कि आपको आपके करियर के ऊपर फोकस करना है, आपके बिजनेस के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है, ना कि रुकना है। आप रुके हुए हैं, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, आप पॉजिटिव आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपके बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। आपको जो करना है, आपका जो भी बिजनेस है टॉरस पीपल, जो भी बिजनेस है वहाँ पर आप ज़्यादा वक्त एक टाइम पास की एनर्जी आ रही है, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो आई डोंट नो, बट यहाँ पर आपका टाइम बहुत जा रहा है और आप खुश हो बट टाइम बहुत जा रहा है आपका, जो कि यूज़फुल नहीं कर रहे हो उस टाइम का, यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है और एक्शन लेना है, ना कि रुके रहना है। आपकी ग्रोथ डेफिनेटली है बिजनेस में, ठीक है गाइज। लास्ट है शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट यहाँ पर गाइडलाइन आपने जैसे
जैसे आपने शायद आपने किसी के ऊपर बिलीव रख के यहाँ पर पैसे लगाए हैं शेयर मार्केट में, और होप्स लगा के बैठे हो कि बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसने भी आपको गाइडलाइन दी है यहाँ पर मुझे उनसे सपोर्ट मिलेगा, और शायद आपका वो पर्सन जो है वो आपका अच्छा ही चाहेगा, ये आपकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपने उनके ऊपर यहाँ पर विश्वास रखकर यहाँ पर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, और आप थोड़े जैसे रिलैक्स बैठे हो, ठीक है, रिलैक्स हो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में रिलैक्स हो, बट यहाँ पर आपको रिलैक्स नहीं बैठना है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, पॉजिटिव एनर्जी आई है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, आप बहुत सारा यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, बहुत सारा आप सेविंग कर सकते हो शेयर मार्केट में, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है टॉरस पीपल, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है तो आप और अच्छा कर पाओगे इसमें, ठीक है, शेयर मार्केट में। इट्स अ गुड टॉरस पीपल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड्स आए थे, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी। तो ये ओवरऑल यही कह रहे हैं कि आप जिस फील्ड में हो, ठीक है, वहाँ पर आपको रुकना नहीं है, जो कि आप रुके हुए हैं, ठीक है। आप यानी यहाँ पर आगे आपको दिख रहा है, आपको निकलना है, आप दिल में सोच रहे हो बट आप ना निकल ही नहीं पा रहे हो, निकल ही नहीं रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपको न्यू बिगनिंग करना है, न्यू स्टार्ट करना है, सब कुछ न्यू करना है, और आप उसके लिए एक्टिव हो, रेडी हो, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपको सोलार चक्रा पर आप हीलिंग ले सकते हो, सोलार चक्रा पर ले सकते हो और हार्ट चक्रा पर ले सकते हो। मैंने कहा ना आपका ना यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही ये हीलिंग लेते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर आपकी एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है, यहाँ पर आपकी जीत है, ठीक है, आप सक्सेस हो। आप जिस फील्ड में आप एक स्टेप लेते हो, ये जो स्टेप लेते हो, एक वन बाय वन स्टेप लेना है, तो ये जो स्टेप लेते हो उसमें आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। ये यहाँ पर गाइडलाइन आई है। तो गाइज यहाँ पर मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जिनसे भी रेजोनेट हुई है प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्ते।